जय जितिन फ्रेंड्स, जब घर में कोई सब्जी नहीं होती तो समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं, या फिर हम तिथि और पर्युषण में हरी सब्जी नहीं खाते हैं तो उसके लिए मैं एक स्पेशल सब्जी लाई हूँ। इसके लिए आधा स्कूप मैंने मसूर की दाल ली है, इसे मलका मसूर भी बोलते हैं, और एक स्कूप मैंने मूंग का मोगर या मूंग की धुली हुई दाल ली है। दोनों को अच्छी तरह से धो लेंगे 3-4 बार और 2 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगो देंगे। देखिए ये सॉफ्ट हो गई है, हाथ से टूट रही है। अब इसे हम पीसकर पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं। मैंने यहाँ काली मिर्च का पाउडर डाला है 1 चुटकी करीब। इसे फाइन पेस्ट के रूप में तैयार कर लेंगे। करीब 1 टेबल स्पून पानी डालकर ही इसे पीसना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये घोल तैयार हो गया है। इसमें मैंने स्वादानुसार नमक डाल लिया है और तवे को गर्म होने रख दिया है। तवा गर्म हो गया है, अब हीट को मीडियम कर देंगे और इस पर चीला हम इसका बनाएंगे। इसे हम तैले बोलते हैं। अच्छे से स्प्रेड करके जैसा दिखा रहे हैं पतला सा चीला तैयार करेंगे। मैं यहाँ घी से सेकूंगी, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। साइड साइड से इसे लगा देंगे। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब ये प्रोसेस हमें करनी है। अब इसे पलट देंगे, पलट कर दोनों तरफ घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। बहुत कम घी में ये बन जाते हैं। आप एक बार इस सब्जी को ज़रूर बनाकर देखिए, कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये किस चीज़ की सब्जी है। ये सिक गया है, इसे उतार लेंगे और इसी तरह से दूसरा तैला भी हम उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, उसे भी इसी तरह सेक लेंगे। सिर्फ 2 तैले की ही मैं सब्जी बनाऊंगी, बाकी बचे हुए बैटर में हम मसाला डालकर मसाला चीला बना सकते हैं। इसका शॉर्ट्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने घी लिया है, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। घी में हींग और जीरा क्रैकल कर लेंगे और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डालेंगे बाद में। इसमें अच्छे से सिक गया है ये, और इसे धोकर, जार को धोकर हमें इसमें पानी डालना है। सादा पानी नहीं डालना है, जार धोकर डालते हैं तो उससे गाढ़ापन आता है। अच्छे से धो लेंगे जार को, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, फिर ये पानी इसमें डाल देंगे। हल्का सा इसमें उबाल आ गया है। चीले को हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैंने ये हाथ से ही तोड़ लिए हैं, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। इसी तरह से सॉफ्ट हैं ये ऑलरेडी, और नमक स्वादानुसार डाल देंगे और इसे ढक कर 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट उबलने में ही ये सब्जी बन जाती है। ये मैंने टाटरी ली है, आप चाहें तो अमचूर पाउडर या कोई और भी खटाई ले सकते हैं। ये मैं इसमें मिला दूंगी। ये सॉफ्ट हो गए हैं तैले और तैर कर ऊपर आ गए हैं, यही इसकी पहचान है। टाटरी मिक्स करके इसको बंद कर दूंगी मैं और 5 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, स्वादानुसार गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डालकर सर्व करेंगे। सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।